हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप सभी किसान भाई बंधुओं का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसान डीजल अनुदान के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बता दें, किसान डीजल अनुदान के लिए आवेदन में एक बड़ा बदलाव आया है और फ्रेंड्स, आपको इसी बदलाव के अनुरूप डीजल अनुदान के लिए आवेदन करना होगा। और दोस्तों, जानना चाहते हैं कि आवेदन प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव आया है, तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। साथ ही फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक किसान भाई बंधुओं का इससे लाभ हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि डीजल अनुदान के लिए आवेदन वैसे सभी किसान भाई बंधु कर सकते हैं जिनके पास स्वयं का जमीन है या फिर जो किसी दूसरे के जमीन पे लीज या फिर बटाईदार के रूप में खेती करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, डीजल अनुदान के लिए आपको पर लीटर 60 रुपया सब्सिडी दिया जाता है और आपको एक एकड़ में अधिकतम 600 रुपया सब्सिडी दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप जब भी डीजल अनुदान के लिए आवेदन करते हैं तो फ्रेंड्स, आपको पेट्रोल पंप का डीजल का जो पर्ची होता है वो डिजिटल या फिर कंप्यूटराइज होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई बंधु हुए जिन्होंने आवेदन करते वक्त वैसे पर्ची का प्रयोग किया जो किसी वाहन वाले ने अपना टैंक फुल करवाया और वो पर्ची लेके बहुत सारे किसान भाई बंधु ने डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर दिया। इसी के खिलाफ फ्रेंड्स, इस आवेदन में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब फ्रेंड्स, जब भी आप डीजल क्रय करेंगे तो फ्रेंड्स, आपको किसान रजिस्ट्रेशन संख्या जो कि 13 डिजिट का होता है वो उसे आपको डीजल पर्ची में इंटर करवाना होगा। मतलब फ्रेंड्स, आप हमारे इस जगह पे आप जो डीजल का पर्ची देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो पर्ची है ये कंप्यूटराइज पर्ची है, यू कहे कि डिजिटल पर्ची है। और यहाँ पे व्हीकल नंबर जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा, व्हीकल नंबर में यहाँ पे नॉट इंटर्ड शो हो रहा है। फ्रेंड्स, इसी जगह आपको किसान रजिस्ट्रेशन संख्या इंटर करवाना होगा। आपको पेट्रोल पंप वाले से बोलना होगा डीजल परचेज करने से पहले कि सर, हमारे पर्ची में व्हीकल नंबर की जगह पर हमारा ये किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। अब फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर डाल दिया जाएगा और उसके बाद आप डीजल परचेज कर पाएंगे और उस पर्ची से आप डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर पाएंगे। और वैसे लोग जो पहले आवेदन कर दिए हैं, संभवतः उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वैसे लोग जो डीजल अनुदान के लिए आवेदन करते हैं, फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि आपके पास एक एकड़ का जमीन है और आपके खेत में जिसमें आप डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें 10 कट्ठा या फिर 15 कट्ठा या फिर 20 कट्ठा में आपका फसल लगा हुआ है और आप आवेदन डायरेक्ट जो आपका पूरा खेत है उतना ही खेत पर कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप ये गलती कर रहे हैं। इसका जमीनी स्तर पर जांच होगा और आपको पाया गया कि आपका जमीन अधिक दिए हुए हैं और जबकि आपका फसल कम एरिया में लगा हुआ है, फ्रेंड्स आपके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आवेदन करने से पहले आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो ले कि हम जो आवेदन कर रहे हैं उतना फसल हमारे उतना एरिया में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 एकड़ जमीन है और आप 10 कट्ठा या फिर 15 कट्ठा में फसल लगाए हुए हैं और आप वहाँ पे आवेदन करते वक्त शो कर दे कि हमारा 2 एकड़ में फसल लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स अधिक सब्सिडी लेने के चक्कर में आप फॉर्म में गलती ना करें। आपका जो उचित सब्सिडी है वही आपको दिया जाएगा और आप उचित जो फसल लगाए हैं उसी के खिलाफ आवेदन कीजिए। और ध्यान रहे, आवेदन करते वक्त जो आप डीजल अनुदान के लिए पर्ची लगाए हैं उस पर्ची में आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि किसान समन्वयक या फिर किसान सलाहकार के द्वारा हर सप्ताह 10 लोगों के आवेदन के जगह पर जाके एक फसल का जांच किया जाएगा कि ये आदमी हकीकत में फसल लगाया हुआ है या फिर नहीं लगाया हुआ है, ऐसे ही आवेदन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी आवेदन करेंगे इस बात का ख्याल रखेंगे। अब फ्रेंड्स, आवेदन में एक और बदलाव आया है कि जिस दिन भी वर्षा होगा उस दिन जब आप आवेदन करेंगे तो उस दिन का आवेदन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी वर्षा के बाद अगले 10 दिन तक आप आवेदन नहीं कर सकते हैं और इस बीच यदि आप आवेदन करते हैं डीजल अनुदान के लिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वैसे लोग भी
डीजल अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं जिनके खेत के पास में नहर है या फिर आहार है या फिर सिंचाई का कोई व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, आप लोग आवेदन करने से पहले ये जान लें कि आपके यहाँ यदि पानी का उचित सुविधा उपलब्ध है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जमीनी स्तर पर जांच किया जाएगा और यदि जांच में आप पकड़ाते हैं कि आपने गलत आवेदन दिया है तो फ्रेंड्स आपके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसान डीजल अनुदान के लिए आवेदन करें तो आप लोग आवेदन से पूर्व उसके उचित गाइडलाइंस को ध्यान से देख लें। अब फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिए जहां पे डीजल अनुदान और इससे जुड़ी हर गाइडलाइंस के बारे में डिटेल जानकारी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का